देखो इसमें मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ सेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमने अभी तक क्या केस किया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो पार्टिकल किस में मूव करेगा, इन अ सर्कल सच दैट वी और बी में एंगल क्या होना चाहिए 90। हमने ये एज्यूम किया कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह प्रेजेंट है, आप अगर इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में किसी पार्टिकल को फेंकें विद द वेलोसिटी ऑफ वी तो उसको पूरी स्पेस मिलेगी सर्कल घुमाने के लिए, क्योंकि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है और वो अल्टीमेटली यहाँ से स्टार्ट होकर वापस आ जाएगा। ज़्यादा तक क्लियर है? पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई चार्ज पार्टिकल मान लो हॉरिजॉन्टल आ रहा था, हॉरिजॉन्टल आते 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 क्या हुआ, सामने एक पोर्शन मिला जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, बस इतने रीजन में, इससे ऊपर नहीं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और फिर मान लो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो जैसे अगर मैं इसका डायग्राम प्लॉट करूँ तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए, ये देखो कि सपोज करो मेरे पास कोई, ये आपके पास कोई ये रीजन है, मान लेते हैं ये वो रीजन है जहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ये देखो ये वो रीजन है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, कोई और यहाँ पर फील्ड नहीं है, यहाँ पर फील्ड नहीं है, कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो वी वेक्टर से चार्ज पार्टिकल एंटर करता है क्यू, तो जैसे वो एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड वी वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर, तो कैसे स्टार्ट करेगा मूव करना, इन अ सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल कैसे मूव करता है, सर्कल, तो ठीक है इसने सर्कल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ से सर्कल में मूव करेगा, तो ये देखो सर्कल 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 सर्कल, अब क्या हुआ, रीजन ही खत्म हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। अगर तो रीजन बराबर होता और भी मैग्नेटिक फील्ड का रीजन होता फिर ये पूरी स्पेस मिलती इसको सर्कल कंप्लीट करने के लिए, तो ये सर्कल पूरा कंप्लीट करके आता, पर यहाँ पर क्या हुआ, रीजन ही खत्म हो गया। अब क्या करेगा चार्ज पार्टिकल, अब चार्ज पार्टिकल सीधा यहाँ से बाहर निकल जाएगा टेंजेंशियली, क्योंकि वो जाना तो सर्कल में चाहता था पर रीजन खत्म हो गया, तो ये वी वेलोसिटी के साथ सीधा टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक? तो इसको इसने क्या बनाया, ये एक पोर्शन बनाया जहाँ पर कुछ पोर्शन के लिए पार्टिकल किस में मूव कर रहे हैं, इन सर्कल। अब इसके अंदर एक और चीज़ नोट करने वाली है, वो क्या कि जब वो सर्कल में मूव कर रहा है तो इसका सेंटर कहाँ जाके मिलेगा, यहाँ पे जो ये सर्कल बनेगा इसका सेंटर कहीं यहाँ मिलेगा, तो ये इसका सेंटर है सच दैट, ये रेडियस क्या है, आर। अगर ये आर है, अगर ये आर है तो ये भी कितना है, आर। लेट अस सपोज यहाँ पे जो एंगल बना सेंटर पे वो कितना बना, थीटा, तो आपके पास थीटा एंगल बन गया। तो इस केस में पार्टिकल आया, वो कुछ पार्ट ऑफ सर्कल में घुमा और टेंजेंशियली चला गया, तो ये एंगल सेंटर पे कितना बना गया, थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि जब ये पार्टिकल बाहर निकल रहा था तो एक्स एक्सिस के साथ उसने कितना एंगल बनाया, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि जब वो बाहर प्रोजेक्ट हो गया टेंजेंशियली तो कितना एंगल पे प्रोजेक्ट हो गया एक्स के साथ, वेलोसिटी ने कितना एंगल बनाया बाहर निकलते हुए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक। तो इसको करने के लिए एक सिंपल रूल है, रूल ये है कि जैसे सपोज करो आपके पास, मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ जस्ट ऐसे, सपोज करो ये एंगल कितना है, थीटा। मान लो ये जो एंगल है इस एंगल की वैल्यू कितनी है, थीटा। ये और ये 90 डिग्री पे हैं तो ये वाला एंगल कितना बना, 90 माइनस थीटा। अब मुझे पता है वेलोसिटी और रेडियस आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, तो 90 डिग्री पे हैं दोनों, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना, थीटा। तो अगर ये थीटा तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा, तो ये ज्योमेट्री आपको हेल्प करेगी किसमें, आपको जब वो पूछेगा कि बताओ कितनी वेलोसिटी से कितने एंगल पर पार्टिकल बाहर निकल गया, थीटा, तो ये जो थीटा है और सेंटर पे बनने वाला थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम। तो आज के बाद हम ये ज्योमेट्री ड्रॉ नहीं करेंगे, आज के बाद सीधा अगर आपसे उसने ये पूछ लिया कि वेलोसिटी ने कितना एंगल बनाया थीटा, तो आप सिंपली सेंटर पे जाके एंगल ढूंढ लो, बात एक ही है। अब सेंटर पे एंगल क्या होगा, सेंटर पे एंगल होगा कि अगर ये रेडियस आर है और मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, वाई है,
ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस y है, y का मतलब ये विड्थ है, y ले लो, d ले लो, चलो d ले लेते हैं, तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस कितना है, ये d डिस्टेंस है, राइट। तो ये मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस कितना है, ये d है, तो ये भी कितना है, d है। तो आप यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या देंगे, d डिवाइडेड बाई कितना, r। तो आपसे एंगल पूछेगा, वो आपको d देगा, कितनी विड्थ तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, d विड्थ तक प्रेजेंट है, d और r, तो साइन थीटा d बाई r, और r की वैल्यू निकालने के लिए वो क्या करेगा, फॉर्मूला यूज करेगा, क्या, एम वी डिवाइडेड बाई बी क्यू, क्योंकि रेडियस की वैल्यू क्या होती है जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है, एम वी बाई बी क्यू। तो आपको क्वेश्चन में सारी वैल्यूज देगा और आपसे थीटा पूछेगा, तो सेंटर का थीटा आ गया, तो वो थीटा भी अपने आप आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व आपने? तो इसके अंदर जो रेडियस बनेगा, ये जो रेडियस है आर और डी है, कोई बता सकता है इसमें आर बड़ा है कि डी बड़ा है, इसमें आर बड़ा है कि डी बड़ा है, आर बड़ा है। ये केस हमने क्या सॉल्व कर रहे हैं, व्हेन आर इज ग्रेटर देन डी, डी का मतलब है कितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड डी रीजन में प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही छोटा, तभी तो पूरा सर्कल बना नहीं पाया, क्योंकि रीजन ही छोटा था, तभी तो पार्ट ऑफ सर्कल बना के बाहर निकल गया। अगर डी बड़ा हो जाता, बहुत बड़ा है डी, फिर तो उसको जगह मिलती, फिर वो बाहर क्यों निकलता, फिर तो पूरा सर्कल बना के वापस आता। तो इमेजिन कर रहे हो ये चीज़। तो इसके अंदर वैसे भी जब ये आर है, तो अगर मैं ये पूछता हूँ कि ये आर को जरा ऐसे लो, ये देखो ये वैल्यू क्या दिखेगी आपको, ये लेंथ को ऐसे लेंगे तो क्या आएगा, आर। तो इस केस में आर क्या है, ग्रेटर देन डी। तो डी की वैल्यू, डी क्या चीज़ है, डी का मतलब वो रीजन है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो वो रीजन छोटा है, और रेडियस क्या बनना है इसमें, बड़ा बनना है, तो इसलिए रेडियस बन नहीं पाएगा पूरा, क्योंकि रीजन ही खत्म हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ही खत्म हो जाएगा, तो वो टेंजेंशियल बाहर चला जाएगा, ठीक। तो आपका जो पहला केस है इस केस में, वो यही गिवन है, डी लेस देन आर, ये ज्योमेट्री मैंने आपको बता दी, थीटा और थीटा वाली, ये डिस्टेंस जैसे डी है या आर है, साइन थीटा डी बाई आर, और आर की जगह एम वी बाई बी क्यू। ये स्टेप क्लियर है। इसको करने के बाद अगला केस है, नेक्स्ट केस है, मैं डी ग्रेटर देन आर, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है डी, वो बहुत बड़ा है, आर छोटा है, सर्कल छोटा बनना है, रीजन बड़ा है मैग्नेटिक फील्ड का। अब अगर मान लो ये पार्टिकल एंटर करता है किसी वेलोसिटी के साथ, उसको पूरी जगह मिलेगी घूमने के लिए, घूमते 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 यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद रीजन फिर से ख़त्म है, मैग्नेटिक फील्ड खत्म है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे आया था सेमी सर्कल बना के वापस चला जाएगा। सर्कल क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो थोड़ा टेंजेंशियली बाहर जाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब अगला केस है, अगर मान लो रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड है, आगे भी पीछे भी ऊपर भी नीचे भी, अब जगह ही जगह है घूमने के लिए, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल ये एंटर कर भी जाता है या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव भी करता है, तो पूरा सर्कल बनाना शुरू करेगा, सर्कल बनाने की पूरी जगह है, तो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर एंड हो जाएगा। ये केस भी क्लियर है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है कि मान लो आपके पास, जैसे सपोज ये एक रीजन है, ये एक रीजन है जिसके राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो एक रीजन है जिसके राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट पे नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल्स हमेशा ऐसे ही मूव करें स्ट्रेट, कि ऐसे ही एंटर करें और ऐसे ही बाहर निकलें, आपका पार्टिकल ऐसे भी एंटर कर सकता है, कैसे, ऐसे, ये देखो। तो आपका पार्टिकल एंटर कर गया विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर, टेढ़ा, सीधा नहीं, टेढ़ा, मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद वर्टिकल। तो मान लो आपके पार्टिकल ने एंट्री कर ली मैग्नेटिक फील्ड में और टेढ़ा एंटर किया है, क्लियर है। अब जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में अंदर आते ही सर्कल तो बनाएगा ही बनाएगा। तो लो मैं सर्कल बनाता हूं, तो जब वो सर्कल बनाएगा, ये देखो ये सर्कल बना रहा है, सर्कल बना रहा है, सर्कल खत्म हो गया, रादर सेमी सर्कल भी नहीं बना, क्योंकि एंगल आपने पूरा रखा ही नहीं, एंगल ही बहुत बड़ा कर दिया इसका एंटर करने का, तो ये आर्क बना के बाहर निकल लेगा। तो आर्क बना के कहाँ बाहर निकल गया, कुछ ऐसे बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो जाएगा, मेकिंग एज सम एंगल विद वर्टिकल, वेलोसिटी भी रहेगी, क्यों, मैंने लास्ट टाइम क्लियर किया था,
जितने एंगल जितनी स्पीड से कोई पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, स्पीड कभी भी चेंज नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। क्या चीज़ चेंज करता है? सिर्फ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो चेंज कर देगा पर स्पीड कभी चेंज नहीं होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो वी वेक्टर का वी वेक्टर कर दिया मैंने, ठीक है, एंट्री स्पीड वी है, एग्जिट स्पीड भी वी है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये आर्क तो बन गया, इसका सेंटर कहाँ बनेगा? इसका सेंटर कहीं यहाँ कहीं बनेगा दूर, क्योंकि आर्क का सेंटर तो यहीं बनेगा, सर्कल कंप्लीट करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। इसके अंदर अगर हम कुछ ज्योमेट्री लगाएं तो ज्योमेट्री ऐसे बनेगी। इसको अगर ज्वाइन कर दें, इसको भी ज्वाइन कर दें तो ऐसा कुछ बनेगा, सच दैट दिस रेडियस इज आर। तो ये रेडियस क्या है? आर। इसके अंदर अगर हम इसे भी ज्वाइन कर दें ऐसे, सच दैट दिस इज 90, दिस इज 90, तो ये सिचुएशन है। इसके अंदर अगर ये अल्फा है तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक और लाइन लेता हूँ कुछ इस तरीके से, इमेजिनरी लाइन है, यहाँ भी ड्रॉ कर देते हैं कुछ ऐसी लाइन, ये देखो पैरेलल लाइंस, तो मुझे एक बात बताओ अगर ये अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस अल्फा, अल्फा 90 माइनस अल्फा। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो रेडियस और टेंजेंट कितने एंगल पर होगा? 90। तो अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा। अगर ये अल्फा तो अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या होगा? अल्फा। ये ट्राइंगल सिमिलर है तो अगर ये अल्फा तो बाइसिमेट्री ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा। अगर ये अल्फा है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये और ये आपस में 90 डिग्री पे है, रेडियस एंड टेंजेंट, और फिर ये और ये लाइन भी 90 पे है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा। तो एक शॉर्टकट याद करो, ये अल्फा अल्फा करने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट क्या है? जितने एंगल पर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है एग्जैक्टली उतने ही एंगल पर वो एग्जिट भी करेगा। तो आपको सीधा शॉर्टकट क्वेश्चन आएगा कि अगर मान लो पार्टिकल ने एंट्री ली एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री तो वह एग्जिट भी करेगा एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये रिजल्ट क्लियर है। और अगर वो 90 पे एंटर करेगा तो एग्जिट भी 90 पे करेगा। तो आपके सामने है ये पूरा केस, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है एग्जैक्टली सेम। ये पूरी ज्योमेट्री मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है कि अल्फा से एंट्री है तो अल्फा से एग्जिट है, सेम डायग्राम है। और ये देखो अगर वो एंटर करता है मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद वर्टिकल तो एग्जिट भी करेगा मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद वर्टिकल। तो एंट्री और एग्जिट 90 डिग्री पे होगा, इसलिए सेमी सर्कल बनेगा। तो बनेगा यानी कि सिमेट्री में फिगर बनेगी, जितने एंगल पर एंट्री उतने एंगल पर एग्जिट भी होगा, एग्जिट भी होगा।